होडल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगवीर राम की 33वीं पुण्यतिथि व विधान उदयभान के पिता पूर्व विधायक गयालाल की पुण्यतिथि के मौके पर विधायक उदयभान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम सम्मेलन में पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित विधानसभा दल ललित नागर व रघुवीर सिंह तेतिया भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है और आगामी समय में राजनीतिक करवट लेगी और भाजपा नेताओं का घमंड तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रवाद व सेना के नाम पर इस्तेमाल कर वोट अर्जित किए हैं और उन्होंने कहा कि जय हिंद की सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। वहीं भाजपा ने जिस सर्जिकल स्ट्राइक को जनता के सामने पेश कर वोट हासिल करके बनाया गया, इसी सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हो चुकी हैं। चाहे 1962 की लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल हो, में भारत पाकिस्तान की जंग हो जिसमें उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया जिसकी गूंज पाकिस्तान के बंकरों में सुनाई दी, और जय हिंद सूरवीर सेना ने पाक में घुसकर जीत हासिल की, ऐसी प्रत्येक जंग को देख ले। लेकिन कांग्रेस ने कभी राजनीतिक फायदे के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा नेता घमंड के घोड़े पर सवार हैं और इनके घमंड का घड़ा भर चुका है और आने वाले चुनाव में जनता इनके घमंड के घड़े को फोड़ देगी। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक उदयभान ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से आजित आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करेगी। वहीं भाजपा की जन विरोधी नीतियों को नकारते हुए भाजपा को हरा कर दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। विधायक उदयभान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर गलत लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेने के बाद भाजपा जनता को बरगला जिससे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सभी वादे व मुद्दे राष्ट्रवाद की लहर में पूरी तरह से खो गए। इस मौके पर उदयभान पूर्व विधायक व प्रतिद्वंदी जगदीश नायर पर जमकर बरसे और उन्होंने जगदीश नायर को दल बदलू व बेहद मतलब परस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नेता नहीं और ऐसे लोग अपना मतलब निकालने के लिए कभी भी किसी को भी धोखा देने से गुजर नहीं करते। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी सब तबके के लिए भाजपा सरकार ने सभी तबके के लोगों के साथ धोखा किया है और हुड्डा सरकार में किसान के धान का मूल्य जहाँ 6,000 रुपए होता था वहीं आज किसान को पहले से लगभग आधे मूल्य पर धान बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने के दावे करने वाली भाजपा सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। डीएपी खाद का मूल्य जहां आज दुगना हो गया है वहीं किसानों की खेती की उपयोगी सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष 50,000 नौकरी देने के दावे किए, लगभग 32,000 की नौकरी दी जबकि 40,000 नौकरियां हटाने का काम किया। विधायक ने कहा मुख्यमंत्री ने हसनपुर की जनसभा को में की गई जमुना पुल निर्माण करवाने व गांव मित्रौली में लड़कियों के कॉलेज के निर्माण की अपनी घोषणा को भूल दिया और वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर बुजुर्गों को अपमानित करने का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर पलवल से कांग्रेस पार्टी के विधायक करण दलाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद झूठी अफवाह फैलाने काम कर रही है। हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम, देश के नाम पर वोट लूटने का काम किया है। हफ्ते के अंदर अंदर हम काम शुरू कर देंगे कॉलेज का। झूठे बेईमानों ने ना तो भारत पब्लिक का ख्याल और ना विधानसभा के पटल में घोषणा का ख्याल। वहां भी इन्होंने घोषणा की, राम रतन ने कह दी थी तो उदयभान को श्रेय जाएगा, इसलिए कॉलेज बनना ना चाहिए, हम कोई दूसरा गांव बताएंगे वहां पे कॉलेज बनेगा। ये इस तरह के लोग हैं। एक आईटीआई मंजूर हुई थी, एक पॉलिटेक्निक मंजूर हुआ था, वो भी इन्होंने रोक दिया। इन्होंने 2062 की घोषणा की थी होटल का, रसनपुर का, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया, रोक दिया। अग्रसेन पार्क की घोषणा की थी, वो भी इन्होंने नहीं की। तहसील की बिल्डिंग बनानी थी,
वो भी इन्होंने नहीं की। ये कुछ भी नहीं करेंगे, जुमलेबाज हैं, जो भी करेंगे आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार करेगी। आपका आशीर्वाद से ये मैं आपको कहना चाहूंगा। जब जाते थे इन भिखारियों की झोली में, जो भी उनसे बनता था इनकी झोली को भर करके भेजा जाता। आज ये छुटबइये आगे से बाहर हो रहे हैं, सरकार क्या बनी अपनी औकात भूल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों जब ये लोकसभा के चुनाव के बाद आम चर्चा को सुना तो बड़ी हैरानी होती है। दो दो पैसे के आदमी रोज अखबारों में बयान और व्हाट्सएप पर टेलीफोनों पर रोज झूठी अफवाहें चलाते हैं। भाई चौधरी उदयवान जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कभी झूठी अफवाह चलाते हैं भाई पलवल का एमएलए जा रहा है, कभी किसी का नाम लेते हैं। कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। सरकार क्या बनी अपने औकात भूल रहे हैं। आज इनको जो वादे इन्होंने 36 बिरादरी के लोगों से किए थे, उन वादों का इन्हें कोई याद नहीं, उन चुनावी वादों को भूल चुके हैं। सभी लोगों ने बड़ी आस के साथ 5 बरस पहले मोदी की सरकार बनाई थी, क्या क्या चुनावी वादे इन्होंने आप लोगों से किए थे, एक भी कोई चुनावी वादा इन्होंने पूरा किया? 5 साल के बाद इस देश को बर्बाद करने के सबसे बड़े जिम्मेवार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। केवल देश की एकता अखंडता के नाम पर देश के लोगों को डरा करके आज कितनी हैरानी की बात है कि 130 करोड़ लोग अपने आप को मोदी के भरोसे असहाय महसूस कर रहे हैं कि देश को बचाएगा तो नरेंद्र मोदी बचाएगा। ऐसा क्या है, कौन सा अवतार पैदा हो गया जो मोदी इस देश को बचाएगा, वरना देश बचेगा नहीं। आज किसान की हालत देखिए, मजदूरों की हालत देखिए, नौजवान बच्चों की हालत देखिए, कितनी बदहाली आज देश के अंदर बढ़ रही है। और हमारे इलाके के तो इतने संकट के दिन हमारे सामने हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था कि जो हमारी धरती के नीचे का जल स्तर घट रहा है, उस घटते हुए जल स्तर को रोकने के लिए ये यमुना के ऊपर बैराज बनाने का काम करेंगे। आज तक उस बैराज बनाने का इन्होंने कोई नाम दिया हो तो बताइए। प्रयास आपका होना चाहिए, मगर आप घमंड में, घमंड के घोड़े पे सवार। और मैं आज उस सरकार को ये भी चेतावनी देता हूँ, ये जनता, यह अहंकार इस देश में अहंकार तो किसी का नहीं चला। देश का इतिहास ये बताता है, ये जो घमंड का आपका घड़ा है, ये घड़ा भी भर चुका है। और इस घड़े को फोड़ने का काम भी इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता इस घड़े को फोड़ने का भी काम करेगी। आपको और हमको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हरियाणा के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ये घमंड में, इतने घमंड में चकनाचूर, इतने घमंड में सरकार चल रही है कि हरियाणा के स्वाभिमान, लोगों के स्वाभिमान को रौंद के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी खिलाड़ियों का मैं देख रहा था, सारे खिलाड़ी, चाहे वो बजरंग पुनिया हो जो ओलंपिक में भी मेडल लेके आएंगे हमारे, चाहे योगेश्वर दत्त हो।